विघ्नहर्ता श्री गणेश। मूर्ख असुरों, तुम्हें इसका आभास भी नहीं कि यहाँ आकर जो तुमने अंतिम लक्ष्य का चुनाव किया वो है मृत्यु। मेरे टकराने से उलट जाएगा तुम्हारा ये गधा। पर वार किया देवी, तो अब आपको मेरा प्रहार भी सहना होगा। आज जो भी सहोगे वो तुम ही सहोगे दुष्ट असुर। तीव्र गति से दौड़ रहा है कि इस पर अपनी दृष्टि स्थिर करना भारी पड़ रहा है मुझे। अब आया आनंद। अब ज्ञात हुआ ना कितना बल है हमारे असुर महायोद्धा में। अरे ये देवी कहाँ चली गई? जो देवी मेरी दृष्टि से दूर हो गई, उस पर कैसे वार करूं? क्या हुआ महेश पोंडरक, मुझे ही ढूंढ रहे हो ना? ओह, तो यही खड़ी है ये। अब तुम्हारा अंत समय भी आ गया है। मुझ पर वार किया देवी ने, अब मैं इसका दंड दूंगा उन्हें। Thank you.
देखा भ्रतामुंड, किस प्रकार महेश पौंद्र ने उस देवी का दंड विलक कर दिया। बस अब इसका अंत भी करना चाहिए महेश पौंड्र को। हाँ, दंड के बिना अब क्या करेंगी देवी? दुष्ट असुर, अब तेरा अंत निश्चित है। चंडमारी ने इस असुर का भी अंत कर दिया। महेश पौंद्र का भी वध कर दिया। इस देवी ने कितनी निर्ममता के साथ उसका वध किया, आपने देखा भ्रातामुन? भ्राता, 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 हाँ। स्वयं को इस आतंक से बाहर निकालो भ्राता चंड। तो क्या हुआ यदि उसने रूरू और महेश पौंड्र का अंत कर दिया? भूल जाओ उन्हें, कौन थे वो दो दुर्बल असुर? स्मरण करो, कौन है हम, कितनी शक्तियां हैं हमारे पास। ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है हमें, अति बलशाली है हम, चंड और मुंड है हम। उन दोनों ने हमें उन देवियों के पराक्रम की
गाथा क्या सुना दी? हमारा मनोबल टूट गया? नहीं भ्राता, विद्युत शक्तियों के स्वामी हैं हम। कोई पराजित नहीं कर सकता हमें। उचित है भ्राता, सर्वथा उचित है। बहुत हुआ ये हास परिहास। यदि हमने उस काली का वध किया, उस कौशिकी को अपने वश में कर लिया, तो असुरों के समस्त इतिहास में तो हमारा नाम स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। सोचो भ्राता, जगत जननी के भक्षक होंगे हम, सर्व शक्तिशाली होंगे हम। यदि हमने इसका वध कर दिया, तो उस मिथ्या असुर महानायक को उसके पद से हटाकर पूरे त्रिलोक के स्वामी बन जाएंगे हम। हाँ भ्राता, हाँ, शुंभ और निशुंभ को मृत्यु प्रदान करेंगे हम। हम बनेंगे असुरों के महानायक, हम होंगे असुरों के अधिपति। उचित है भ्राता, उचित है। तो इस अवसर का लाभ उठाओ भ्राता, इस देवी का वध कर त्रिलोक का राजपद प्राप्त करेंगे हम। राजपद, त्रिलोक का राजपद, राजपद उचित है। ये तो तुम्हारा सौभाग्य है नारियों, कि तुम्हारा अंत हम दोनों महाशक्तिशाली भ्राताओं के हाथ नियत है। इतना सब होने के पश्चात हम तुम्हारा अंत इतनी सहजता से नहीं करेंगे। अपने भयंकर अंत के लिए तैयार हो जाओ तुम सब। मूर्ख असुरो, अभी भी तुम्हारा विवेक, तुम्हारी बुद्धि जागृत नहीं हुई, तो अब तुम्हारे अंत का समय आ ही गया है। चंड और मुंड शक्तिशाली अवश्य हैं, किंतु माँ काली, माँ चंडमारी और माँ कौशिकी का क्रोध भी अपने चरम पर है। अब जो होगा उचित ही होगा। चिंता मत करो देवी, तुम्हारी मृत्यु अवश्य होगी, किंतु उसमें अधिक समय नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि तुम तो हमारे वास्तविक कार्य में एक बाधा मात्र हो, जिसे अपने मार्ग से हटाकर अपने वास्तविक लक्ष्य यानी देवी कौशिकी तक पहुंचकर उसे बंदी बना लेंगे हम। मूर्ख असुरों, तुम्हारी मूर्खता और अहंकार के कारण तुम्हें इसका आभास भी नहीं कि यहाँ आकर जो तुमने अंतिम लक्ष्य का चुनाव किया वो है मृत्यु। मृत्यु, मेरे असुर सैनिकों, इन तुच्छ नारियों ने हमारे समक्ष शीश उठाने का, हमें चुनौती देने का दुस्साहस किया है, जिसका भयंकर दंड इन्हें अवश्य मिलना चाहिए। मुझे ज्ञात है कि तुमने इन्हें रूरु और महिषपोत का वध करते हुए देखा, किंतु मेरा विश्वास करो, तुम्हें इनसे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। असुर वीरों, रूरु और महिष पांडरेक पराजित हुए क्योंकि वे दोनों युद्ध से पूर्व ही अपनी पराजय स्वीकार कर चुके थे, आतंकित थे इस देवी से, और जो योद्धा युद्ध से पूर्व ही अपनी पराजय स्वीकार कर ले, वो अपनी मृत्यु के द्वार
स्वयं ही खोल देता है। स्मरण रखो, अति शक्तिशाली योद्धा है हम, शक्तिशाली असुर सेना है हम। निडर होकर युद्ध करो और अंत करो इस देवी का। हाँ हाँ, उचित कहते हैं सेनापति चंडमुंड। निडर रहेंगे हम, विजयी होंगे हम, इन नारियों का वध करेंगे हम। असुर शक्ति की चंडमुंड की असुर शक्ति की असुर शक्ति की जय चंडमुंड की। हमारे असुर वीरों, इतना स्मरण रखना है तुम्हें कि तुम्हारे सामने कोई महायोद्धा नहीं, मात्र ये कुछ नारियां है। बस इनका ही अंत करना है तुम्हें। जो भी असुर वीर इसमें प्रमुख भूमिका निभाएगा उसे हमारी ओर से बड़ा पुरस्कार प्राप्त होगा। उचित कह रहे हैं सेनापति मुंड, दुर्बल नारियों से भयभीत होना व्यर्थ है। इनका अंत करेंगे हम, पुरस्कार प्राप्त करेंगे, विजयी होकर लौटेंगे यहाँ से। उत्साहित हो गई है हमारी सेना, अब इन दुष्टाओं का अंत दूर नहीं। कैसे भीरु सेनापति हो तुम दोनों, स्वयं को पीछे रख पुनः अपनी सेना को आगे कर रहे हो तुम। कैसे भीरु सेनापति हो तुम दोनों। हम लोग नीचे कैसे आ गए। उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर तुम उन्हें मृत्यु के मुख में ढकेल रहे हो। साहस है तो स्वयं आगे बढ़ो, युद्ध करो मुझसे। मैं तो तुम्हें एक सहज मृत्यु देना चाहता था, किंतु प्रतीत होता है कि तुम मेरे हाथों ही मृत्यु चाहती हो। तो ठीक है, ठीक है, फिर यही उचित है। तुम अकेले मेरे समक्ष तो वैसे भी नहीं टिक सकते, तो सुनो मूर्ख, मैं तुम्हें एक अवसर और देती हूँ। तुम और तुम्हारे भ्राता दोनों मिलकर मुझ पर वार करो। और मैं देवी चंडमारी तुम्हारी सेना को नष्ट करती। इतना तो साहस इस तुष्टा चंडमारी का, इसका भी दंड प्राप्त होगा इसे। जाओ असुर वीरों, जाओ और जाकर इसका वध करो। और हम इस देवी काली का अंत करेंगे। आक्रमण करो, वध करेंगे हम देवी का, आगे बढ़ो। मुझे अनुमति दीजिए माता। सबका लहू बहेगा यहाँ तुम्हारे रक्त से, रक्त रंजित होगी ये रणभूमि। आज तुम चारों ओर से घिरी हो देवी, हमसे तुम्हारी रक्षा आज कोई नहीं कर सकता। आज तुम्हारा वध निश्चित ही करके रहेंगे। कौन किसका वध करेगा ये तो अभी स्पष्ट हो जाएगा। Yeah.
कैसी स्तब्ध खड़ी है ये देवी। लगता है हमसे भयभीत हो गई है। कितने भीरू हैं ये दोनों चंडमुंड, तभी तो योद्धा धर्म का उल्लंघन कर मिलकर माँ काली पर एक साथ बहु अस्त्रों से वार कर रहे हैं। हाँ भैया, इन भीरुओं ने मात्र बहु अस्त्रों से ही नहीं वरन धूर्तता से भी आक्रमण किया है। ये चक्र मायावी है, एक योद्धा एक चक्र को ही रोक सकता है। जिस क्षण माँ एक चक्र को रोकने का प्रयास करेंगी तो शेष उसी क्षण माँ को आहत कर देंगे। नारी को दुर्बल समझने की भूल करने वाला शक्तिशाली नहीं अपितु निर्बल होता है।